भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा शुक्रवार 21 अक्टूबर को शहर में शाहूकारा से दोपहर 3 बजे होगी शुरुआत। कायस्थ चेतना मंच ने बरेली के कायस्थ समाज से की उत्साह के साथ भागीदारी की अपील। आपको बताते चलें, बरेली में भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा शहर में शुक्रवार 21 अक्टूबर को धूमधाम से निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत दोपहर 3 बजे शहर के साहूकारा फाटक से होगी और कुतुब खाना चौराहे, कोहाड़ा पीर की नीम चढ़ाई, बन खाना आदि स्थानों पर होती हुई शोभा यात्रा गुड़दंग बाग स्थित चित्रगुप्त जी के मंदिर पहुँचकर सम्पन्न होगी। शोभा यात्रा की तैयारी में जुटे कायस्थ चेतना मंच ने बरेली के कायस्थ समाज से शोभा यात्रा में उत्साह के साथ भागीदारी की अपील की है। कायस्थ चेतना मंच के अध्यक्ष संजय सक्सेना, संरक्षक एवं उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष व उद्यमी डॉक्टर पवन सक्सेना, संरक्षक अनिल कुमार, एडवोकेट शोभा यात्रा संयोजक अधीक्षक सेना, मंच के महासचिव अमित संघ सेना बिंदु ने शोभा यात्रा के बारे में गुरुवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, विशिष्ट अतिथि प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, बिथरी चैन पूर्व विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा संयुक्त रूप से करेंगे। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा में कई झांकियां होंगी। भारतीय चित्रांश महासभा और हम कायस्थ ऐसे चार संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष कल बैठे थे। उनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। सभी इसमें साथ हैं, सभी इसमें सम्मिलित हैं, सभी का सहयोग है और सभी के निर्देशन में ये यात्रा बहुत अच्छी रहे। क्या मामला है आज? ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी की हर वर्ष नगर में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष ये शोभा यात्रा 21 अक्टूबर को शुक्रवार यानी कल के दिन निकाली जाएगी, जो साहूकारा फाटक से शुरू होकर नीम चढ़ाई, बड़ा बाजार, कुतुबखाना होती हुई कोहाड़ा पीर, चित्रगुप्त भगवान जी का जो चौक बना है वहाँ से बांधखाने में जाकर भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर पे वहाँ पे यात्रा का विराम होगा। बड़े पैमाने पर इस यात्रा की तैयारियाँ की गई हैं। यात्रा का आयोजन कायस्थ चेतना मंच की ओर से किया जा रहा है। सभी जितने भी संगठन हैं समाज के और जितने भी प्रमुख लोग हैं वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में खाली केवल कायस्थ समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग इसमें आ रहे हैं हिस्सा लेने के लिए। दूर दूर से आ रहे हैं, बरेली के तमाम हिस्सों से आ रहे हैं, बरेली के बाहर से भी आ रहे हैं। तो एक भव्य शोभा यात्रा कल के दिन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और आप सबके माध्यम से मैं और हमारे सब साथी लोग ये अपील करना चाहेंगे समाज के सभी लोगों से कि शोभा यात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल। शोभा यात्रा कौन से मार्ग होती जाएगी और कहाँ समाप्त होगी? साहूकारा फाटक, जो किला थाना साहूकारा फाटक अग्रवाल धर्मशाला है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी दोपहर 3 बजे और नीम चढ़ाई और उसके बाद कटरा मांडा है, कुतुब खाना, कुतुब खाना से लेफ्ट हैंड को मुड़ के कोहाड़ा पीर और कोहाड़ा पीर के बाद में बांधखाने की तरफ टर्न होगी। वहीं गुद्दड़ बाग में जो भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है वहां तक जाके यात्रा का विराम। माननीय संतोष गंगवार जी हैं, श्रीमान डॉक्टर अरुण कुमार जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं, जितने भी गणमान्य नागरिक, गणमान्य हस्तियाँ हैं हमारे इस परिक्षेत्र की, लगभग वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ये 15 वर्षों से निकल रही है और ये साहूकारा किला थाने के सामने धर्मशाला के बराबर से उठती है। कुतुबखाना कोहाड़ा पीर होते हुए बाबा गुज्जड़ बाग में चित्र मंदिर पर जाकर इसका समापन होता है और बड़ी मात्रा में इस बार हम लोगों का प्रयास है कि लोग इसमें शामिल हों। समाज के लोगों का प्रयास किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। जैसे कि काश समाज शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है कि इस शोभा यात्रा में कुछ शिक्षा का संदेश दिया जाएगा। शोभा यात्रा तो श्री चित्रगुप्त महाराज जी की है तो इसमें तो उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाएगी। तो सब उनके अनुयायी हैं, काश समाज तो उन्हीं का वंशज है। बाहर से 3-4 झांकियाँ मंगाई गई हैं।
ये गणेश लक्ष्मी जी की झांकी है, राधा कृष्ण और शंकर पार्वती जी की झांकी है, भगवान चित्रगुप्त जी अपने दो पत्नियों के साथ विराजमान होंगे रथ पर। तो इस तरह की एक शोभा यात्रा का रखा गया है। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भगवान चित्रगुप्त जी लेखनी का ही काम करते हैं और हम लोगों को लेखनी में ही निपुणता है, इसलिए काय समाज लेखनी के रूप में ही जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय हम जरूर पिछड़ रहे हैं और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं जगह जगह कि उसका संदेश दिया जाए। किसी भी समाज की ऐसी शोभा यात्रा समाज में एकता का और बहुत ही सुंदर एक सांस्कृतिक संदेश देती है। तो काई समाज ने भी तय करा कि जो उनके इष्ट देव हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी, एक सुंदर शोभा यात्रा का हम सभी आयोजन करेंगे। पिछले 15 वर्ष से लगातार ये शोभा यात्रा समाज में हम लोग निकाल रहे हैं। इस बार उसके लिए कुछ बहुत अच्छे स्तर पर तैयारियाँ की हैं और निश्चित रूप से इस यात्रा का एक सुंदर संदेश होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि यात्रा बहुत ही भव्य और दिव्य और शानदार यात्रा होगी। सभी लोगों से निवेदन है कि इस यात्रा में रहें और सुंदर यात्रा के उस साक्षी बने भागीदार। और मेरे का समर्थन साथ।